हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्चिस किचन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें थैंक यू सो मच। तो आज हम बनाएंगे सेवई खीर। आपने तो कई टाइप्स की खीर खाई होंगी, चावल की खीर, खोए की खीर, साबूदाना खीर, बट आज हम बनाएंगे सेवई खीर। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है, तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे देसी घी। घी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब हमें अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, इन्हें एक अच्छा कलर आने तक। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम लिया हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। ड्राई फ्रूट्स हमारे जब भी रोस्ट होते हैं घी में, तो इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होने की। ब्यूटीफुल। इन्हें अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सेम पैन में ही हम दोबारा से घी ऐड करेंगे और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे अपनी सेवई। मैं यहाँ पर विदाउट रोस्टेड सेवई यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रोस्टेड सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। सेवई को हमें एक अच्छा कलर आने तक अच्छे से रोस्ट करना है। सेवई हमारी अच्छे से रोस्ट हो रही है, इसमें एक अच्छा कलर आने लगा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज किया हुआ है। और हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक और बॉयल आने तक इसे अच्छे से कुक करना है। गैस की फ्लेम को हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नॉर्मल फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। और इसमें ऐड करेंगे अब हम शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसे भी आपको मीठा पसंद हो। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। खीर में जब तक इलायची ना जाए, तब तक इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बॉयल आना यहाँ पर शुरू हो गया है, खीर हमारी अच्छे से पकने लगी है। मिल्क हमारा यहाँ पर अच्छे से रिड्यूस होने लगा है और हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है इसे, ये नॉर्मल खीर की तरह ही बनेगी। और अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। खीर हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे गर्मी सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। ये ठंडे होकर खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके आगे जो भी हमारी सारी पुडिंग्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं, वेस्टर्न पुडिंग्स हो या नॉर्मल पुडिंग्स हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।